हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कैसे हो आप सब, कमेंट पर जरूर बताना है आपको, ठीक है। तो गर्मी का सीजन चल रहा है और मौसम बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे, और इस तगड़े मौसम में हम आपको बताने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय फल आम के बारे में। यहाँ पे तो आम कच्चा है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे आम पेड़ के बारे में, ठीक है। पूरा पेड़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है, इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। तो देर न करके शुरू करते हैं इसके स्टेम से। स्टेम की बात करें तो इसका जो कैनोपी है ये लगभग 35 फीट तक ऊंचाई हो सकता है, ठीक है, 35 फीट तक हो सकता है, 35 फीट। और इसका सर्कमस्टेंसेस मतलब जो गोला या फिर विड्थ की बात करें तो ये 3.7 मीटर या फिर 12 फीट तक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर रूट की बात करें तो इसका जो एरिया है ये 6 फीट तक स्प्रेड हो सकता है, एंड रूट पेनिट्रेट कर करके 20 से 25 फीट तक अंदर जा सकता है मिट्टी के। आम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। भारतीय महाद्वीप में कई हजार वर्ष पूर्व आम के बारे में लोगों को पता चल गया था और उसकी खेती की जाती थी। चौथी से पांचवीं शताब्दी पूर्व ही ये एशिया के दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया। दसवीं शताब्दी तक पूर्वी अफ्रीका में भी इसकी खेती शुरू हो गई। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। बात करें 1498 की, तो केरल में पोर्तुगीज के लोग मसाले को अपने देश ले जाते थे, वहीं से आम और इसका नाम भी ले गए। वे लोग इसे मांगा बोलते थे। यूरोपीय भाषाओं में इसका नाम 1510 में पहली बार इटली भाषा में लिया गया। इसके पत्ते को तो देखो, ये बहुत ही सिंपल एंड अल्टरनेटिव होते हैं। 1 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर तक लेंथ होता है इसके पेटियोल का, एंड लीव्स जो है वो 16 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड वाइड होते हैं 3 से 7 सेंटीमीटर तक। ये मैंने बताया आपको फ्लावरिंग ब्रांचेस का। अगर मैं आपको स्टेरल ब्रांचेस की बात करूँ तो आप तो सच में चौंक ही जाएंगे, क्योंकि स्टेरल ब्रांचेस में ये लगभग 50 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। आम के पेड़ के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अगर कोई नियमित रूप से आम का सेवन करता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में रहता है। आम का सेवन करते वक्त आप शायद ही सोचे होंगे कि ये कैंसर से भी बचाव करने भी मदद करता है। आम के सेवन से हमारी आंखों को भी खूब फायदा होता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में विटामिन ए जो रहता है। आम के सेवन से हमारे पेट का पाचन क्रिया भी सही बना रहता है। आम का सेवन से मोटापा भी कम हो सकता है। इसके पत्ते भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जैसे कि बालों की समस्या का एक बेहतरीन समाधान करते हैं, बेचैनी का मुकाबला करते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करते हैं, पेट के अल्सर और हिचकी को ठीक करते हैं। आम के पेड़ के जो पत्ते हैं वो वजन घटाने में भी बहुत ही सहायक होते हैं। इनके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन ये सब छोड़कर मुझे एक ही फायदा नजर आता है, और वो है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और क्या चाहिए, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और क्या चाहिए हमें। और तो और इसके बहुत ही धार्मिक महत्व है, जो कि आप दशहरा के माहौल में देख सकते हैं कि इसके पत्ते बहुत ही प्रयोग किया जाता है दशहरे की पर्व में। ऐसे ही आप सब आम खा के स्वस्थ रहिए, इसका मजा लीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।